गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो ये मेरे गमले में एक टमाटर का पेड़ उग गया था, वही मैं देख रही थी। तो आज था मेरे घर पे सुंदरकांड का पाठ, मतलब मेरी मम्मी के घर पे सुंदरकांड का पाठ था। तो वही 2 ढाई बजे या 3 बजे के आसपास से तैयारियां मतलब शुरू हो गया था। तैयारियां तो सुबह से ही चल रही थी। तो क्योंकि 17 मार्च को ना गौरी का बर्थडे था, तो उसी लिए करवाया गया था सुंदरकांड का पाठ। और मतलब बहुत ही अच्छे से हो गया था। बट कुछ लोग सोचेंगे तो गली में क्यों किया था, क्योंकि घर में इतना स्पेस नहीं था कि इतने सारे लोग आ पाते। और जब ये शुरू ही हुआ था तभी इतने सारे लोग आ गए थे, क्योंकि गली मोहल्ले के जितने थे वो सब आ गए थे, प्लस कुछ रिलेटिव्स भी हमारे आए थे। और मेरी मौसी, मेरी भाभी, मामा के बच्चे, तो बहुत सारे लोग हो गए थे। तो मेरी दोनों तीनों भाभियाँ, सारे लोग आ गए थे। तो जिससे ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती। और घर में मतलब जहाँ अगर रूम में होता तो वहाँ पे सारे घर पे ही लोग बैठ पाते। तो इसीलिए पंडित जी ने कहा कि आप गली में ही दरबार लगा दीजिए, तो जिससे कि भगवान जी का नाम लेना है सभी ले सकते हैं। और ये देखिए, नन्नू को ना आजकल हिंदी पढ़ने का बड़ा चस्का लगा हुआ है, तो ये ना सब उसका मजाक भी बना रहे थे कि पढ़ पाओगे ऐसा करके, लेकिन वो पढ़ ले रही थी। और गुन्नू को तो ऐसे ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि ढोल मजीरे बज रहे थे ना, तो उससे उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो 2.5-3 घंटे कंटिन्यू मेरे पास ही बैठी हुई थी। और ये देखिए, यहाँ पे बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल तो बिल्कुल टॉप पे रहता है। अगर घर में कोई भी फंक्शन हो, घर में क्या, अगर जो गली मोहल्ले में लोग रहते हैं उनके यहाँ भी अगर कोई फंक्शन हो तो बस एकदम एक्साइटमेंट टॉप लेवल पे होता है। और वो दोनों मेरे भाई थे, दोनों बड़े वाले और छोटे वाले जो मेरे रियल ब्रदर हैं वो थे। और यहाँ पे देखिए, कंटिन्यू मेरे पास बैठी हुई थी। मेरी चूड़ियों को अवॉइड करिएगा, क्योंकि मैं मैचिंग की नहीं पहन पाई थी, फटाफट बाहर चली गई। जब घर पे गई तभी याद आया, क्योंकि मेरा ऑफिस भी था, मुझे ऑफिस भी करना था शाम को आके, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो इसीलिए बस फटाफट, घर पे पूजा थी तो मैंने आज साड़ी भी वेयर की थी। तो बताना साड़ी में कैसे लग रही हूँ। मैंने हालांकि कोई मेकअप वगैरह नहीं किया था, बट कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेना है गौरी को तो देखिए, कहीं उसकी भी पूजा कैसे भी कहाँ पहुँच हो रही सकते है। हैं। पंडित जी के कंधे पे बैठ के उसकी पूजा हो रही है। वो कंटिन्यू जब भी मौका मिलता था ना, वो पंडित जी के कंधे पे बिठा देते थे और वो बैठ जाती थी और आराम से बैठी रहती थी, क्योंकि वो आदत है उसको कंधे पे बैठे रहने की, तो अच्छे से ना बैठ जाती है। और यहाँ पे प्रसाद की तैयारी, क्योंकि पाठ जब संपन्न होने वाला था तो तैयारियाँ शुरू हो गई थी। ये मेरी भाभी लोग हैं तो वो प्रसाद मतलब बाँट तैयार करने लग गई थी। ये भाभी ना मुझे बोल रही थी, मुझे भी कैप्चर कर रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ। तो ये दोनों प्रसाद बना रहे थे और मैंने सोचा थोड़ी सी। और आज ना मेरी टीचर भी आई हुई थी, जो बचपन में मतलब जब मैं स्कूल गई थी तो वो मेरी टीचर थी। यहाँ मेरी मम्मी के साथ सामने सीढ़ियों पे बैठी हुई हैं और वो मेरी टीचर हैं। और बहुत मतलब मेरी मम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं। और मतलब कुछ भी होता है, कोई फंक्शन होता है तो वो ज़रूर आती हैं, हम लोग उनको ज़रूर बुलाते हैं। और मम्मी से उनकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी है, तो इसलिए ना थोड़ा बहुत होना चाहिए मम्मी, क्योंकि मेरी मम्मी इतना बाहर आती जाती नहीं है कहीं पे। तो अगर उनका कोई फ्रेंड सर्कल है तो हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत प्यार करते हैं उन लोगों को, तो जिससे कि उन लोगों का मतलब मम्मी का थोड़ा सा लगाव रहता है हमेशा। तो चलिए, खैर उनके साथ ना मैं कोई क्लिपिंग नहीं ले पाई, अगर मेक श्योर कभी मिलना हुआ तो मैं उनकी क्लिपिंग ज़रूर लूँगी, उनसे ज़रूर आप लोगों को मिलवाऊँगी। तो ये चलिए थोड़ा सा सुन लेते हैं सुंदरकांड का पाठ। I'm
सुंदरकांड का पाठ समाप्त होने वाला था, या पंडित जी ने बोला था कि समाप्त नहीं कहते हैं, कहते हैं संपूर्ण होने वाला था। तो जब संपूर्ण होने वाला था तो उसके बाद होली भी हुई थी, बहुत अच्छे से होली भी खिलाई थी पंडित जी ने, और भजन वगैरह काफ़ी देर तक हुआ था। तो और होली तो कम से कम आधे घंटे तो होली ही चली थी, फिर आरती वगैरह करते करते बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। ये मेरी बड़ी वाली भाभी हैं, ये उनकी बेटी है जो गई अभी, मतलब मेरे मामा की बहू, तो मेरी भाभी हैं ये गौरी नन्नू है, और नन्नू की बहुत अच्छी फ्रेंड है चेष्टा, उनकी बेटी का नाम है चेष्टा, बहुत अच्छी फ्रेंड है उनकी। तो बस जब वो लोग आ गए थे ना, तो वो सारा पाठ छोड़ छाड़ के बस दोनों को टाइम चाहिए खेलने का, और अपने पूरा जब तक मिले होते हैं ना हफ्ते 10 दिन में, तो सारी स्टोरी उनको शेयर करनी होती है। तो वो दोनों भाग गए अंदर, तो भाभी चली गई थी मम्मी से मिलने के लिए अंदर। बाकी मैं, मेरी भाभी वगैरह सब खाना, और मेरी दीदी मतलब ताऊ जी की बेटी आई हुई थी वो लोग, तो सब ये उन दीदी की बेटी हैं, ये जो रेड सूट में बैठी हैं, तो ये उन दीदी की बेटी हैं। तो हम सारे ना मतलब खाना बनाने की तैयारी में लगे हुए थे कि घर के लोग तो खाना खाएंगे ही, मतलब जो प्रसाद वगैरह बनता है वही सब, और बाकी वैसा जो फ्रूट और बूंदी लड्डू इन सब का प्रसाद आया था, वो सब मेरी दोनों भाभी और मम्मी बैठ के रैप करने में लगी हुई थी कि किसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि पूजा ख़त्म होने के बाद तो बस सब फटाफट भागने में ही लगे रहते हैं। तो ऐसे ही 2.5-3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चला। ये है मेरी मम्मी, और ये भाभी हैं, मतलब मेरे भाई की फ्रेंड की वाइफ है, तो ये मेरी भाभी है, बहुत प्यार करती है मुझे। इनके भी बेटे का बर्थडे गौरी के बर्थडे के साथ ही आता है, बट अब उनका नवरात्र में पड़ेगा, 10 या 12 दिन का दोनों में फ़र्क है। तो ये संपूर्ण होने लग गई थी पूजा, तो पंडित जी को ना मम्मी जो भी मतलब दान दक्षिणा देते हैं वही दे रहे थे। तो पंडित जी ये हमारे बहुत पुराने, मतलब मैं शायद पैदा भी नहीं हुई थी तब से ये हमारी फैमिली में जुड़े हुए हैं, तो मुझे मतलब हम तीनों भाई बहनों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और हमारे घर में कोई भी पूजा होती है, कुछ भी होती है, तो यही करवाते हैं। और ये मेरे दोनों भाई लोग हैं, ये भाई के फ्रेंड वगैरह पार्षद हैं, वो सब भी आए हुए थे, बहुत अच्छे से हो गया था आरती वगैरह, फिर उसके बाद थोड़ी देर होली चली थी, फिर आरती हुई थी, और सब आप लोग देख ही सकते हैं कि कैसा क्या हुआ। आप लोग भी इंजॉय करिए और बताइएगा कि कैसा लगा ये ब्लॉग, और मेरी गौरी मेरी मन्नत को बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा, और बाबा जी आप लोगों पे कृपा बनाए रखें। तो चलिए आप भी इंजॉय करिए, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। श्याम सुंदर को दिखा दें कि हाँ भाई हम भी श्याम सुंदर के दीवाने, जो जो दीवाने हैं केवल वही हाथ उठाना। बोल मुरली वाले हनुमान की, ये मुरली वाले हनुमान कब से आ गए भाई, देख रहे हो राणा जी दरबार की ऐसी शोर मचाते हुए। और अब होली का महीना चल रहा है, कुछ दिन रह गए हैं, और बरसाने में तो खूब लठमार होली चल रही है। कौन कौन गया है बरसाने में? जय हो जय हो जय हो। और कैसे हम 25 साल को दीवानी बने जाऊंगी, मस्तानी बने जाऊंगी, दीवानी बने जाऊंगी, दीवानी बने जाऊंगी, बंगाली बने जाऊंगी।
प्राणियों में, प्राणियों